Good noon everyone, I am your science teacher Satya Bhama from Happy Chemist School. Students, today we will continue our chapter number 10, The Human Body. जिसमें मैंने आप बच्चों को बताया था हमारा skeleton system के बारे में मैंने पढ़ा था, तो आज हम उसी को डीपली पढ़ते. मैंने आपको चैप्टर यहाँ तक पढ़ाया था, सिर्फ हमने सिर्फ दो तीन पैराग्राफ हमने रीड किए थे, तो आज हम पढ़ेंगे skeleton system के बारे में. Our skeleton has 206 bones. यानी कि हमारा जो ये ढांचा है हड्डियों का, इसमें 206 हड्डियां हैं. Which form the skeletal system, जिससे हमारा ये skeletal system बना है, यानी कि कंकाल तंत्र. अब देखो, skeletal system को कहेंगे हम कंकाल. कंकाल है ना, ये कंकाल तंत्र, यानी कि एक ऐसा ढांचा जो हड्डियों से मिलकर बना हो, उसे हम skeletal system कहते हैं. It gives shape and support to the body. यानी कि यह आकार और सहारा देता है किसे, शरीर को. It helps to keep correct posture of the body. और ये हमारे सही को, हमारे शरीर को एक सही पोस्चर में रखता है, यानी कि एक सही आसन में रखता है. While sitting, जब हम बैठते हैं, standing, खड़े होते हैं, and walking, जब हम चलते हैं. Correct posture make our body and muscles healthy. देखिए, जब हम सही आसन में, यानी कि जब हम सही अवस्था में रहते हैं, तो क्या होता है. देखो, सही अवस्था से मतलब अगर हम सीधे होकर बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से चलते हैं, सही तरीके से हम चलते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है, सही तरीके से हम लेटते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है और जो हमारे मसल्स यानी कि मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ रहती हैं. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स इनसाइड द बॉडी. और ये क्या करता है, ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि जैसे बैकबोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, वैसे ये मांसपेशियां जो ये जो बना सॉरी जो ये कंकाल का जो ढांचा, ये हड्डियों का जो ढांचा है, ये हमारे इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. द बोन्स ऑफ स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. आपने देखा हड्डियों का जो ढांचा, जैसे स्कल बोलते हैं, ये किसकी रक्षा करता है, ब्रेन की. ठीक है, तो यह हमारा स्केलेटल सिस्टम है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र. श्वसन जिसमें यानी कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं. दिस इज मेड अप ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. यानी कि यह हमारी नाक और जो हमारा विंड पाइप, यानी कि जो हमारी सांस की नली है, और हमारे फेफड़ों से मिलकर बना है. ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू बर्न फूड एंड रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. अब जितने भी जिंदा चीज़ें हैं उन सभी को ऑक्सीजन चाहिए, पहले तो किस लिए, खाना पचाने के लिए शरीर के अंदर, दूसरा शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसके ज़रिए काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन शरीर में चाहिए. फूड कंटेन्स कार्बन, यानी कि फूड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है. इट कम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इट्स कम्बाइंड यानी कि मिल जाती है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में. दिस इज़ नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी. तो जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं होती है, सो इट पुश आउट ऑफ द बॉडी. तो इसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. देखिए, हमारे फूड में क्या होता है, कार्बन शामिल होता है. ये है ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, और ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है. द सिस्टम दैट हेल्प्स टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. यानी कि वह तंत्र जो मदद करता है ऑक्सीजन को लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं. ठीक है, आप ये देख सकते हैं. फिर एयर एंटर्स द नोज व्हेन वी ब्रीथ इन. यानी कि तब देखिए क्या होता है, हवा जो है वो हमारे नाक से एंटर करती है जब हम सांस लेते हैं. इन द नोज यानी कि नाक में द एयर इज फिल्टर, हवा जो है वो छन के जाती है. द हेयर प्रेजेंट इन द नोज. अब आप देखेंगे कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं. ट्रैप द डर्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स. तो वो क्या करते हैं, हवा के अंदर जो भी कीटाणु होते हैं
या जो धूल के कण होते हैं उन्हें वो वहीं पर रोक देते हैं, नोज़ के जो बाल होते हैं उनको वहीं पर उलझा लेते हैं। द एयर देन एंटर्स द लंग्स, तब ये हवा क्या होती है, तब ये हवा फेफड़ों तक जाती है। इन द लंग्स ए पार्ट ऑफ द एयर पासिस इन टू द ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद ये देखो विंड पाइप के जरिए, यहाँ पर जो श्वास नली है विंड पाइप के जरिए होती फेफड़ों तक जाती है, फिर क्या होता है कि फेफड़ों से फिर ये ब्लड में जाती है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद जो खून होता है वो पूरे शरीर के अंदर अपने अंदर मिला करके ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर पहुँचाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। आवर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ मसल्स एंड बोन्स, अब हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो मांसपेशियों से और हड्डियों से मिलकर बना है। अगर हम बात करते हैं बोन्स की तो वो सिर्फ 206 हैं, यानी कि 206 है। अगर बात की जाए मसल्स की तो वो 600 हैं, यानी कि 600 हैं। 600 मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम, यानी कि 600 मसल मिलकर के मस्कुलर यानी कि मांसपेशी तंत्र का निर्माण करती हैं। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, अब जो हड्डियाँ हैं वो अपने आप तो मूव नहीं कर सकती। द मसल्स आल्सो हेल्प आवर बॉडी ऑर्गन्स टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, अब हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारे शरीर की मदद करती हैं, उसके अंगों की मदद करती हैं कि वो विभिन्न तरह के मूवमेंट कर सकें। देखिए, आपको चलने के लिए पैर आपके आगे पीछे जाएंगे, आपको किसी को हाय बोलना है हाय तो आप हाथ हिलाते हैं, तो कैसे हिला, इसमें अगर आपका बॉडी पार्ट है, अगर इसमें आपका ये हथेली का प्रयोग हुआ है तो इसके ऊपर जो ये मसल्स हैं हमारी हड्डियों पे जो मसल्स हैं ये जिस पर हमारी स्किन है ये, तो ये उसकी मदद करती हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन रिक्वायर्स अ सिस्टम ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, अब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसको मूव करने के लिए एक ऐसा जॉइंट चाहिए जो मूवेबल है, आसानी से हिल डुल सके। अ जॉइंट इज फॉर्म वेयर टू और मोर बोन्स मीट, अब देखिए जॉइंट कहाँ बनता है, जॉइंट वहाँ बनता है जब एक या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। देखिए कहाँ पर हैं, जैसे आपके यहाँ हैं एल्बो में हैं, आपके पैर में यहाँ पर हैं, यहाँ आपके नी में हैं, यहाँ पर हैं आपके, यहाँ भी आपके हड्डियों का जॉइंट है। ठीक है, व्हेन जॉइंट्स कैन नॉट मूव, जब जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं कि जहाँ पर जुड़ाव है हड्डियों का जब वो मूव नहीं करते हैं, देन इमोबल जॉइंट्स आर फॉर्म लाइक द स्कल, देखिए अब इस फॉर्म में क्या है, स्कल है। अब देखिए यहाँ ये जो आपकी खोपड़ी है क्या ये मूव करती है, तो गर्दन आपकी मैडम घूमता था पर ये नहीं घूमता, ये आपकी गर्दन मूव करती हैं। ठीक है, हैज़ बोन जॉइंट टुगेदर बाय इमूवेबल जॉइंट्स, तो अब इसमें कौन से जॉइंट्स हैं, इसके अंदर हड्डियाँ हैं लेकिन इसके अंदर कौन सी है, वो इमूवेबल यानी कि हिलती डुलती नहीं है क्योंकि वो स्थिर है, एक ही जगह स्थिर है वो। ठीक है, तो क्लास आज में सिर्फ आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी, पर एक बार फिर से मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर लेके चलती हूँ, ध्यान से देखिए आप इसे। हाँ बच्चों ने नाक के ज़रिए, हम सभी बच्चे क्या, हम सभी जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सभी नाक के ज़रिए सांस लेती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी श्वसन नली में जाती हैं। ठीक है, आपको पता है जब हम श्वसन नली में जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, कई बार क्या होता है जब हमारी जो हवा होती है जब वो हमारी जो हमारी खाने की नली होती है जब वो उसमें चली जाती है तो क्या होता है, तब हमें डकार आती है। आपने देखा ना करते हो आप ऐसे करते हो ना, उसकी वजह यही है, जिसे हम बर्प कहते हैं, BURP, डकार लेने को। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब हवा हमारे खाने की नली में चली जाती है, अब देखिए यहाँ से ये होते हुए हमारे फेफड़ों तक आती है, हमारे पास दो फेफड़े होते हैं राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अभी जो फेफड़े होते हैं ये फेफड़ों के भी अपने, इनको हम ब्रॉन्चेस कहते हैं, ये हमारा लेफ्ट लंग है ये हमारा राइट लंग है। अब जो हमारा राइट लंग होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें तीन होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है इसमें सिर्फ दो ही पार्ट्स होते हैं, और ये थोड़ा सा छोटा होता है हमारे राइट लंग से। ठीक है, अब फेफड़ों का काम क्या, ऑक्सीजन को लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ ब्रॉन्चेस में ये जाती है ऑक्सीजन, और फिर यहाँ जो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर वो बाहर निकल जाती है नाक के दूसरे छेद से। ठीक है, तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो जब ये लंग्स में जाती है तो यहाँ से फिर ये ब्लड के अंदर घुल जाती है, ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने में पूरे शरीर के अंदर ये फ्लो करती है।
आई होप क्लास आपको भी क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।